मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम सब पढ़ने वाले हैं मस्टर्ड आयल अभिक्रिया। मस्टर्ड आयल अभिक्रिया क्या होता है? जब प्राथमिक एमिंग की क्रिया कार्बन डाइसल्फाइड तथा मर्क्यूरियस क्लोराइड के साथ गर्म करते हैं तो सरसों के तेल जैसे गंध वाली एल्किल थायोसाइनाइड बनता है। देखिए, यदि किसी कार्बन से सीएल जुड़ता है, इसको हम साइनाइड बोलते हैं, एल्किल साइनाइड बोलते हैं, एल्किल साइनाइड। यदि कार्बन से नाइट्रोजन बंद बनाता है तो इसको आइसोसाइनाइड बोलते हैं, आइसोसाइनाइड। यदि आपका एल्किल से नाइट्रोजन तथा कार्बन से सल्फर बांड बनाता है तो इसको हम एल्किल आइसोथायोसाइनाइड कहते हैं। अब हमको इस अभिक्रिया में पढ़ना है कि जब हम प्राथमिक एमीन अर्थात जिसमें एमिनो समूह पाया जाता है, NH2 से एक कार्बन जुड़ा है, इसको हम प्राथमिक एमीन कहते हैं। जब प्राथमिक एमीन की क्रिया हम कराते हैं कार्बन डाई सल्फाइड और HgCl2 के साथ, इसको जब हीट किया जाता है, जब गर्म किया जाता है, तो दोस्तों यहाँ क्लोरीन के दो अणु हैं, यहाँ हाइड्रोजन के दो अणु हैं, यह दोनों आपका 2HCl बनाते हैं, प्लस सल्फर के यहाँ दो अणु हैं और मरकरी यहाँ से HgS हाइड्रोजन सल्फाइड बनाता है, प्लस आपका यहाँ बचा R और यहाँ पर N है, यहाँ कार्बन और एक सल्फर इससे जुड़कर एल्किल आइसो आयो साइनेट का निर्माण करता है। अतः इस प्रकार हम बहुत सारी अभिक्रियाएं पढ़ सकते हैं, जैसे CH3NH2 की अभिक्रिया कार्बन डाइसल्फाइड प्लस HgCl2 के साथ यदि हम गर्म करेंगे तो ठीक इसी प्रकार आपका बन जाएगा CH3NCS प्लस HgS प्लस 2HCl। अर्थात मस्टर्ड आयल अभिक्रिया में जो आपका बनता है एल्किल आइसोथायमेट, इसका जो गंध होता है सरसों के तेल के समान होता है, इसलिए इस अभिक्रिया को मस्टर्ड आयल अभिक्रिया कहते हैं। जो नहीं समझ में आ होगा उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।